हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट H2O सॉल्यूशन में। मैं विजय राज पुरोहित आपको हमारी आज एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो पीने के पानी के लिए लगाया गया है हॉस्पिटल में, प्लस किडनी डायलिसिस यूनिट में भी वही पानी कैसे यूज होता है आज मैं वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये 250 लीटर का आरओ प्लांट लगाया है। ये हमने पीने के पानी के लिए लगाया है, जिस ताकि हॉस्पिटल में जहाँ कहीं भी पीने के पानी की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पीने का पानी मिल सके। उसके बाद हमने ये सेकंड पास 150 लीटर का आरओ प्लांट लगाया है, जो कि किडनी डायलिसिस यूनिट में पानी प्रोवाइड करेगा। इसका पाइपिंग कैसे किया गया है मैं अब ये बताने वाला हूँ। ये 250 लीटर के आरओ प्लांट की स्टोरेज टैंक है, जिसके अंदर से हमने 3 कनेक्शन दिए हुए। इसमें से एक कनेक्शन पी मार्केट गया हुआ है ICU सेक्शन में, ये पीने के पानी के लिए है, और यही एक कनेक्शन गया हुआ है OPD में, ये भी पीने के पानी के लिए है, और तीसरा टी मार्केट जो कनेक्शन आया हुआ है, ये देख सकते हो आप अंदर आ रही है ये पाइप, ये जो है 150 लीटर के आरओ प्लांट में इनलेट दिया गया है। इसका स्टोरेज जो है यहाँ पे हमने बनाया है, ये छोटी टैंक आप देख रहे हो, इसका जो कनेक्शन है ये जाता है सीधे डायलिसिस यूनिट में। ये आप यहाँ से पाइपिंग देख सकते हैं, ये जो 3 पाइप गए हुए हैं इसमें से एक पाइप जो है ये डायलिसिस यूनिट के लिए है। इसी पाइप को रोटेशन करके हमने सर्कल घुमा के वापस यहाँ पे दिया हुआ है, वो कॉर्नर से आप देख सकते हैं, ये रोटेट करके वापस हमने इसी टैंक में दिया हुआ है। इसे इसके लिए रोटेशन करने के लिए हमने ये प्रेशर पंप भी लगाया हुआ है, और इसे सर्कुलेशन पंप भी बोलते हैं। ये सर्कुलेशन करने का रीज़न ये होता है कि डायलिसिस यूनिट में जो पानी है इसे कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रख सकते। अगर स्टैग्नेंट रह जाता है पानी तो इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। इसलिए इस पानी को हमेशा कंटिन्यूस सर्कुलेशन में रखा जाता है। और ये जो डायलिसिस यूनिट में जाता है पानी, ये 0 TDS का पानी होता है, ताकि ये डायलिसिस में काम आ सके।